उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पराली को लेकर किसानों पर देश व प्रदेश में हो रहे मुकदमा एवं गिरफ्तारी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से किसान हित में तत्काल पराली के निस्तारण का विकल्प तलाशने की मांग की है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के किसान के प्रदेश अध्यक्ष महेश त्यागी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों पर पराली को लेकर अत्याचार कर रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए पराली के निस्तारण के लिए कंपोस्ट तैयार कर किसानों को तत्काल सरकार उपलब्ध कराए तथा किसानों पर की गई कार्रवाई को तत्काल समाप्त करे। साथ ही किसान बिल को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ किए गए वादे के खिलाफ काम कर रही है। आम आदमी पार्टी जब भी प्रदेश की जनता द्वारा प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी तो प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर करीब किसान गरीब मजदूर सभी के हित में काम किया जाएगा तथा दिल्ली की तर्ज पर कम से कम 200 यूनिट बिजली की आम आदमी के लिए निशुल्क कर प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए काम किया जाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि एक पढ़ा लिखा शासक क्षेत्र को जितनी खुशहाली दे सकता है उतना अनपढ़ नहीं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासक पढ़ा लिखा होने के कारण पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर भी जनता के हित में अनेकों कार्य कर रहा है, परंतु अनपढ़ शासक घूमने में लगा है। उसको जनता के हित में कार्य करने का ज्ञान ही नहीं होता है। जैसा मैं समझ रहा हूँ, कभी ये हमारा प्रदेश खासकर वेस्टर्न यूपी बड़ा खुशहाल हुआ करता था। आज जब हम गाँव गाँव जा रहे हैं, लोगों की स्थिति इस कदर हो गई है कि आपको समझना ये पड़ेगा कि मक्का 600 रुपये तक बिकी है अभी इस साल। वो इसलिए बिकी है क्योंकि व्यापारियों पर लगाम नहीं है। जब किसान के खेत में फसल होती है उस टाइम उसके रेट गिर जाते हैं और किसान के खेत से निकल कर जैसी व्यापारियों के पास पहुंचती है उसके रेट 3 गुने हो जाते हैं। आप आलू देख सकते हो, आज की सब्जियां देख सकते हो, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए। और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और किसान की कमर टूटती जा रही है। किसानों के साथ पराली के नाम पर अत्याचार हो रहा है और किसानों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव हो रहा है। इस पर आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। जो किसानों को अरेस्ट किया गया है उनको तुरंत छोड़ा जाए और जो मुआवजा किसानों से वसूल किया गया है पराली के नाम पे उसे तुरंत बीज ब्याज के वापस किया जाना चाहिए। और किसानों के साथ जो ये अपराधियों से बर्ताव कर रही है सरकार, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मित्रों, मुद्दा आज का ये है कि आम आदमी पार्टी किसानों को लेकर के क्या विचार, क्या कार्य योजना रखती है, जिसके बारे में हमारे सीनियर पदाधिकारीगण ने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को समझा दिया, स्पष्ट कर दिया। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।